सारांश हिंदी क्लासेज। हिंदी व्याकरण के लिए YouTube पर सर्च करें बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। संज्ञा तो आपको बता दी कल, और संज्ञा के भेद याद करने। आज कई बच्चों को शिकायत होती है कि भेद भूल जाते हैं। अगर मैं लिखवा दूं प्रश्न है कि विशेषण के भेद लिखो, तो उसमें कई तो सर्वनाम वाला एक भेद लिख देते हैं, विशेषण वाला भूल जाते हैं। समझ आ रही बात है? तो ये भेद गड़बड़ नहीं हो, विशेषण के अलग याद रहे, संज्ञा वाले अलग याद रहे, सर्वनाम के छह भेद अलग याद रहे, तो उसके लिए आपको मैं भेद याद करवाना शुरू कर रहा हूं। आज याद करवा रहा हूं संज्ञा के भेद कैसे याद करें। संज्ञा के तो आपको इतना तो पता ही है कि संज्ञा नाम को कहते हैं, पता है ना? संज्ञा किसको कहते हैं? अब कोई पूछ ले किसके नाम को, तो ये तो प्रश्न ही बेतुका है। किसके का क्या मतलब हुआ? किसके से तो कोई मतलब नहीं है, नाम को कहते हैं। और नाम हर चीज का है, जो जो चीजें आंखों से दिखती है उनका नाम तो जरूर है। धरती पर बिना नाम की तो चीज ही नहीं है, चीज है तो नाम है। तो कोई भी चीज हो, नाम होना चाहिए, बस उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे एन ए एम ई, नेम, नेम को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को ही नाम कहते हैं, नाम को ही नेम कहते हैं। ठीक है, मैं कहूं इसका नाम क्या है? चश्मा। मैं कहूं इसका नेम, एन ए एम ई, नेम, नेम क्या है? चश्मा। समझे क्या? मैं कहूं इसकी संज्ञा क्या है? चश्मा। इसकी संज्ञा चौक है, इसका नाम चौक है, इसका नेम, एन ए एम ई, नेम चौक है। तो नेम, नाम, संज्ञा एक ही बात है। तो नाम तो हर चीज का है, हर चीज का है ना? तो या तो वो चीज अकेली है अपने आप में, एक में, या वो किसी जाति का बोध करवाती है, समूह का, है ना? उनके अलावा भी नाम होते हैं। तो मैं तीनों भेद करवा रहा हूं याद, सुन लो। संज्ञा के जो तीन भेद हैं, पहला तो है व्यक्तिवाचक, व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है जातिवाचक। यहां ध्यान दो, जाति में ती छोटी आएगी, बड़ी लगाने से वो हो जाएगा गो, जी ओ गो, सुशीला स्कूल जाति है, समझ गया क्या? हाँ, तो ये जाति छोटा आएगा, जाति मतलब समूह है, वर्ग, वर्ग जाति, अच्छा जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक। ये याद करवा रहा हूं, सुन लो कैसे याद करोगे। पहली बात तो ये देखो आप है कि अभी मैंने बताया कि संज्ञा नाम को कहते हैं। तो जैसे कोई आदमी का नाम ले लो, कोई भी, रमेश, ठीक है, ले लिया रमेश, ले लिया। अब कोई किताब का नाम ले लो, रामायण, ले लिया ना। अब कोई, देखो शहर के भी नाम होते हैं, नहीं होते क्या? जयपुर, दिल्ली, बंबई, शहरों के नाम नहीं होते, नगरों के नाम होते ना, गांवों के नाम होते ना। तो कोई एक गांव का, कोई एक शहर का नाम ले लो, जयपुर। और पहाड़ों के भी नाम होते हैं, हिमालय ले लो, विंध्याचल पर्वत ले लो, सतपुड़ा पर्वत ले लो, एक ले लो हिमालय। समझ आ रही क्या बात है? अब ये जो नाम है, ये ऐसे नाम है जो एक विशेष है, भले ही वो एक आदमी का नाम हो, भले ही वो एक वस्तु का नाम हो, भले ही कोई जगह का नाम हो, समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन है ये एक। अब मैं इनकी जगह लिख दूं, रमेश की जगह लिख दूं लड़का, क्या लिख दूं? लड़का या छात्र, छात्र, है ना। और रामायण की जगह लिख दूं मैं पुस्तक, पुस्तक। और जयपुर की जगह लिख दूं मैं शहर, और हिमालय की जगह लिख दूं पर्वत। अब ये देखो दोनों में अंतर याद करवा रहा हूं। व्यक्तिवाचक तो वे नाम होंगे जो एक विशेष का बोध करवाएंगे, ज्ञान करवाएंगे, एक का, ठीक है ना। और जाति वाले वो होंगे जो पूरी जाति का, पूरे वर्ग का, पूरे समूह का बोध करवाएंगे, बोध मतलब ज्ञान, ठीक है। इन नामों में अंतर करना देख लो आप, आपको भेद याद हो जाएंगे। रमेश एक लड़के का नाम है, और मैं रमेश ना कह दूं तो लड़का कह दूं तो बहुत, ऐसे तो रमेश भी बहुत होते हैं, लेकिन रमेश एक का नाम होगा, समझ गए ना। और लड़का आप सबका है, जैसे ये लड़कियां बैठी है, ये लड़के बैठे हैं। अगर मैं कह दूं आपको
कि लड़के बाहर जाओ तो आप उठोगे, ये तो नहीं उठेंगी ना, आप उठोगे, क्यों? क्योंकि आपका नाम लड़का है। लेकिन आपका नाम लड़का जरूर है तभी आप उठोगे। मैं कहूंगा लड़के लड़के खड़े जाओ तो आप सारे खड़े होगे, क्योंकि आपका नाम लड़का है। लेकिन आपका नाम पर्सनली नाम नहीं है कि लड़का पूनिया, लड़का बैनीवाल, लड़का जाट, ऐसे कोई नाम है क्या? नहीं है ना। लड़का हुड्डा ऐसे है? लड़का कुमार हुड्डा, लड़का सिंह हुड्डा, लड़का ऐसे होता है क्या नाम? किसी का नहीं है ना। मतलब वो पर्सनली नाम नहीं है, इंडिविजुअल नाम नहीं है, व्यक्ति वाला नाम नहीं है, व्यक्तिपरक, व्यक्तिपरक नहीं है। व्यक्ति होता है पर्सनली, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत नाम नहीं है वो, पूरे समूह का नाम है। इसका ही लड़का, इसका ही लड़का, इसका ही लड़का, इसका ही लड़का, इसका लड़का, सबका लड़का, तो सबका आ रहा है, तो वो जातिवाचक नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? और इसमें किसी एक को दे दिया जैसे सुरेश, पंकज, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दोनों में अंतर करना सीख गए क्या? अब कोई रामायण ले लो, अगर मैं कहूं रामायण पढ़ो तो महाभारत, गीता, उनका तो नाम ही नहीं ले रहा, रामायण का ही ले रहा हूं ना। और मैं कह दूं पुस्तक पढ़ा करो तो पुस्तकों में तो सभी आ गई, तो ये तो पूरा पुस्तक जाति, पूरा पुस्तक समूह है, पूरा पुस्तक वर्ग, पुस्तक जाति, समझ में आई बात है? अब इसी पुस्तक का एक नाम रख दूं, पुस्तकों में से एक का नाम रख दूं कुरान, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक नाम। नहीं समझे? अगर पुस्तक की जगह मैं लिख दूं गीतांजलि, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, तो गीतांजलि रखते ही क्या हो जाएगा? और गीतांजलि ना कहूं सीधे ही कहती हूं पुस्तक, तो क्या हो गया? अब देखो जयपुर, मैं कह दूं जयपुर में भीड़ बहुत है, तो फिर इसका मतलब मैं बाड़मेर की बात नहीं कर रहा, जोधपुर की नहीं कर रहा, जयपुर की कर रहा हूं, स्पेशल एक विशेष का है ना। तो जयपुर तो हो गया व्यक्तिवाचक, पर्सनली, व्यक्ति का मतलब आदमी से नहीं है, व्यक्ति मतलब पर्सनली, इंडिविजुअल। अपने कहते ना कि तू बीच में मत पड़े, ये मेरा पर्सनली मैटर है, मेरा व्यक्तिगत मामला है ना। तो ये व्यक्तिगत नाम हो गया। और मैं कह दूं शहरों में भीड़ बहुत होती है, तो कौन से शहरों में? सभी में। तो ये तो नाम किसका है? जाति का, समूह का, वर्ग का। और अगर इन शहरों में से किसी का नाम रख दूं गंगानगर, तो क्या हो जाएगा? समझ आ रही है क्या? या तो नाम है व्यक्तिवाचक पर्सनली, या किसी समूह का बोध करवाएंगे, दो तरह के नाम समझ में आए कि नहीं आए? अब मैं कह दूं कि ये वाली जड़ी बूटी हिमालय पर मिलेगी, तो मतलब अरावली पर नहीं, विंध्याचल पर नहीं, हिमालय नाम दे दी ना एक, तो हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। और मैं कह दूं ये जड़ी बूटियां पहाड़ों पर मिलती है, तो कौन सा पहाड़? सारी सारी आगे ना, तो सारे आगे, तो ये पर्वत तो हो गया जातिवाचक। अब ऐसे पहचान लोगे क्या? दोबारा सुनो, एक अंतर बता रहा हूं ये बताने से पहले, भाववाचक याद करवाने से पहले ये दो दोबारा याद करवाता हूं। देखो संज्ञा नाम को कहते हैं, नाम किसी आदमी का हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है, किसी चीज का भी नाम हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? किसी भाव का भी नाम हो सकता है, मन में सोत्र के भाव उठते हैं, मन में सोत्र के भाव उठते हैं है ना, तो उनके भी नाम है। जैसे कोई मुझे गाली देगा तो फिर ये इसका नाम लोगों ने रखा हुआ है क्रोध, समझे कि नहीं समझे? कोई मुझे गाली देगा तो ये होगा कि नहीं होगा? तो इसका नाम क्या रखा हुआ है लोगों ने? क्रोध। समझाई बात है? तो मन में भी जो भाव उठते हैं उनका भी नाम होता है, होता है कि नहीं होता? पर इसको छोड़ो, एक बार इन दोनों को बता रहा हूं, भले ही वो नाम व्यक्ति का हो, भले ही वस्तु का हो, भले ही जगह का हो, किसी का हो, होना एक में चाहिए स्पेशल, एक विशेष का, एक विशेष का, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। और वो उसकी पूरी जाति का बोध करवाएगा तो वो जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं गाय, तो आपके घर पर बंदी है वो भी गाय, मेरे घर पर बंदी हुई है वो भी गाय, गली में घूम रहा है वो भी गाय, तो गाय किसका नाम है? जाति का है। और मैं उसका स्पेशल नाम रख दूं कामधेनु गाय, कामधेनु नाम रख दिया, तो कामधेनु क्या हो जाएगा? समझ आई बात है? अब देखो मैंने नाम रख दिया, इधर से एक राह आती है, इधर से एक राह आती है, इधर एक राह जाती है, इधर भी एक राह जाती है, ये चार राहें हैं, तो इसको बोलते हैं चौराहा, चौराहा, चौक, चौक भी बोल देते हैं इसको, समझ आई बात है? अब मैं कह दूं
चौराहों पर गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है चौराहों पर, तो कौन सा चौराहा, यहाँ है वो, वहां वो, या उस शहर में, उस शहर में, कोई भी हो, चौराहों पर धीरे चलानी चाहिए। तो सारा चौराहो कहते सारे आगे ना, भले वो किसी भी सड़क पर चौराहा आया हो, सारे आगे ना, तो चौराहा कैसा नाम है जातिवाद? अब चौराहा कह दो या चौक कह दो, इसका नाम रख दू भगत सिंह चौक, चांदनी चौक, हाँ व्यक्तिवाचक, दोनों में अंतर करना सीख गए क्या? या तो नाम होगा आदमी का पर्सनली, या चीज का पर्सनली, या किसी जगह का पर्सनल नाम होगा, तो वो तो जाएगा व्यक्तिवाचक, और समूह का बोध कराएगा वो जगह जातिवाचक। अब सुनो दोबारा, इसको याद करवाने से पहले दोबारा देख लो, ये वाले नाम और ये वाले नाम, ये वास्तव में होंगे, वास्तव में होंगे, इनको देख सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं, इनको छू सकते हैं, इनको गिन सकते हैं, इनको देख सकते हैं, ये वाले हकीकत में होंगे, और ये वाले हकीकत में नहीं होंगे, हकीकत में ठीक है, हाँ इनको महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं एक नाम रख रहा हूं दुख, बचपन, अब सुनो, जैसे किसी ने मुझसे कुछ गलत कर दिया तो मेरे मन में एक भाव उठेगा दुख, है ना, जैसे मेरा कोई पालतू कुत्ता है और बहुत ही प्यारा कुत्ता है, अगर वो मर जाए तो मुझे क्या होगा, दुख, मेरे मन में कोई भाव जागेगा, भाव जागेगा, उस भाव का नाम क्या है, दुख। अब ये देखो, दुख सच्ची में थोड़ी होता है, सचमुच में, प्रैक्टिकली सच में नहीं होता, कोई के सर दुख तो होता ही है, होता है तो मुझे आधा किलो सुख ला के दे, दुख ला कर दे आधा किलो, ले आओगे, कौन सी दुकान पे मिलता है, चलो चलो बताओ दुख कैसा होता है, लाल सफेद काला, छोटा बड़ा, लंबा पतला मोटा, कैसा होता है, अरे होता ही नहीं, ये तो महसूस करने वाली चीजें हैं। तो देखो दोबारा सुन लो, ये वाले तो होंगे, ये वाले भी होंगे, ये वाले महसूस करने वाले होंगे, ये हकीकत में नहीं होंगे, दुख हकीकत में नहीं होता, 100 ग्राम दुख ला सकते हो, 100 ग्राम नहीं, चलो 50 ग्राम तो ले आओगे, होता ही नहीं, कहां से लाए, तो भाववाचक छांटना बहुत आसान है, इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो भाववाचक होते हैं, समझाई बात है, महसूस कर सकते हैं। अब मैं दो चार एक शब्द लिखूं, बता दोगे, उससे पहले मैं और बता दूं, कई कई व्याकरणों में संज्ञा के 5 भेद दे रखे हैं, तो मैं चौथा और पांचवा एक बार लिख देता हूं, ठीक है, एक तो होता है समूहवाचक, समूह है वाचक, एक होता है हाँ द्रव्यवाचक, है ये अंग्रेजी के हिसाब से किए हैं, अंग्रेजी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब देखो समूहवाचक में आ जाएगा, जैसे सेना, दल, फौज, टुकड़ी, अपने कहना वहां वो दल बैठा है या सेना, समझ गए क्या आप, तो ये नाम ऐसे हैं जिनको समूह में ले लिया। अब द्रव्य होता है पदार्थ, देखो एक शब्द और जानकारी दे दूं, एक तो होता है द्रव और एक होता है द्रव्य, तो द्रव्य तो होता है पदार्थ, क्या होता है, और द्रव होता है तरल पदार्थ। देखो पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थ वो 3 तरह के होते हैं, या तो ठोस, या गैस, या द्रव बहने वाले, जैसे तेल है, दूध है, घी है, वो आ जाएंगे तरल पदार्थ में, द्रव में आ जाएंगे, और पत्थर है, मेज है, कुर्सी है, वो आ जाएंगे ठोस में, समझ गए, और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आ जाएंगे गैस में, समझ गए। तो द्रव्य होता है पदार्थ और द्रव होता है तरल पदार्थ, ये कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना, द्रव्य मतलब पदार्थ। तो इसमें आ जाएंगे जैसे तेल, दूध, घी, ये आ जाएंगे, समझे। अब हिंदी में क्या है, इनको ज्यादातर हमने जातिवाचक में ले लिया, इसलिए इन दोनों को छोड़ करके ये 3 याद रखने हैं। लेकिन याद तो ध्यान में ये भी आने चाहिए, क्या आप तक कई बार प्रश्न आ जाए कि दल क्या है, आ जाए व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे ये तो समूहवाचक तो याद होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए सारा,
समझ में आई बात है? समूहवाचक में जो दल है, सेना है, फौज है, इस तरह के जो शब्द है वो समूहवाचक में आ जाएंगे, दूध तेल घी ये आ जाएंगे द्रव्यवाचक में, पदार्थ वाले में, ठीक है। लेकिन हमने इन सबको किस में मिला लिया? तो संज्ञा के मोटे तीन भेद कौन कौन से? तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब मैं एक छोटा सा टेस्ट ले लूं, आप तीनों भेद करके बता दोगे कि ये वाला व्यक्तिवाचक है, ये वाला जातिवाचक, ये वाला भाववाचक, बता दोगे? तो मैं लिखता हूं, तब तक आप आंख बंद करो एक बार। ये कुछ एक नाम है दोहराई के लिए, आपको व्यक्ति जाति भाव इन तीनों में से छांट के बताने हैं, ठीक है। तो पहले बताओ सूरज क्या है? व्यक्तिवाचक, समझ गए? एक का ही तो नाम है सूरज का, ठीक है, व्यक्तिवाचक है। आकाश, वेरी गुड, व्यक्तिवाचक ही है। हवा, गलत बोल गए, जातिवाचक। किसी को भाववाचक नहीं लगा क्या? कईयों को लग जाता है, क्योंकि मैं बता रहा था ना कि भाववाचक वो होते हैं जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, तो वो भाववाचक होते हैं। तो कई सोचते हैं कि हवा को भी नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, है ना। तो बेटा हवा का एक एक गुण है कि हवा रंगहीन और गंधहीन होती है, ना ही तो हवा में रंग होता और ना ही कोई गंध होती। अगर हवा इधर से आ रही है, कोई मरा हुआ जानवर है वहां से होकर आ रही है, तो वो दुर्गंध लेकर आ जाएगी, और बागों से आ रही है तो वो सुगंध लेकर आ जाएगी। खुद तो गंधहीन होती है, हवा में खुद में कोई गंध नहीं होती, अच्छी चीजों से आएगी तो सुगंध लेकर आ जाएगी, और गली चिड़ी चीजों से आएगी, मरे हुए जानवरों के पास से, कचरे से, तो वो बदबू लेकर आएगी। लेकिन हवा में खुद में कोई गुण नहीं है, तो रंगहीन होती है। और सुनो, हमारी आंखें उन्हीं चीजों को देख सकती है जो रंगीन होती है, रंगहीन होती है उनको आंखें देख नहीं सकती, रंगीन चीजें ही दिखती है। तो हवा, हवा क्यों नहीं दिखती? हवा के रंग ही नहीं होता। हवा क्यों नहीं दिखती? देखो, अब हवा दिखती नहीं है इसका मतलब, जैसे मैंने कहा था ना कि दुख होता है क्या, छोटा बड़ा काला सफेद कैसा होता है दुख, कैसे बोला था ना, तो आपको सर ऐसे तो हवा भी नहीं दिखती, तो हवा नहीं दिखती ना, इसका मतलब है वो रंगहीन है इसलिए दिखती नहीं है। लेकिन हवा होती जरूर है, नहीं होती? अब ये पंखा चला तो अपनी ये बाल हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं? हवा है तभी तो हिल रहे ना, है ना। आंधी में धक्का सा लगता है, छू लेते ना हवा, यूं मेरे हाथों में छू रही है, छू लेते ना, और हवा को पकड़ भी सकते हैं। साइंस वाले विद्यार्थी बता देंगे मेरी मुट्ठी में हवा है, मेरी मुट्ठी में क्या है? हवा है। और हवा ला भी सकते हैं, दुख तो नहीं ला सकते आप, 100 ग्राम दुख नहीं ला सकते, हवा तो ला सकता हूं मैं, 2 किलो गुब्बारे में भर के ले आऊंगा। आप कहोगे हमें तो 1 किलो चाहिए, तो उसके आलपिन लगा दूंगा, निकल जाएगी, फिर रोक लूंगा, आप भी रह जाएगी। होती है कि नहीं होती हवा? हकीकत में तो होती है ना, तो हकीकत में होती है, इसलिए ये भाववाचक नहीं होती, ये जातिवाचक में ले लेंगे, ठीक है। अब कुर्सी बताओ, हाँ कुर्सी कोई स्पेशल तो नाम है नहीं, ये भी कुर्सी वो भी कुर्सी, आपके घर पर पड़ी है वो भी कुर्सी, स्पेशल तो है नहीं कोई नाम अलग से, है ना। तो ये जातिवाचक में आ जाएगी, कुत्ता जातिवाचक में। अगर उसका आपने नाम रख दिया मोती कुत्ता या डॉगी, जो भी नाम रख लेते हो कोई, उस नाम से वो आता है, तो फिर वो व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अच्छा, राजस्थान पत्रिका ये कैसा? हाँ व्यक्तिवाचक है। कई बच्चे कहते हैं सर राजस्थान पत्रिका तो बहुत होती है, आप कहते हो ना व्यक्तिवाचक में जो प्रश्न एक होती है तो राजस्थान पत्रिका बहुत होती है, ऐसे तो रमेश भी बहुत होते हैं, दो तो मेरी गली में, 3 आपकी क्लास में बैठे हैं, ऐसे संख्या से मतलब नहीं है, वो नाम तो एक का है ना, रमेश एक का ही है ना, तो राजस्थान पत्रिका एक विशेष का ही नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक में आ जाएगा ये। और मैं सीधा कह दूं पत्रिकाएं पढ़ते रहना चाहिए, पत्रिकाएं अखबार, तो फिर वो जातिवाचक में। अब अखबार का स्पेशल नाम दे दिया, भास्कर, सीमा संदेश, राजस्थान पत्रिका, स्पेशल नाम दे दिया, तो क्या हो जाएगा? सुशीला, और मैं यहां लिख दूं छात्रा, और मैं यहां लिख दूं लड़की, हाँ, और लड़की का स्पेशल नाम दे दिया परमिला, तो व्यक्तिवाचक। दया बताओ, भाववाचक। अब सुनो, दया कई बार नाम भी होता है,
दया आठवीं में पढ़ती है। तो अब अगर यू है ना दया आठवीं में पढ़ती है तो दया को व्यक्तिवाचक बोलना है, और दे नहीं रखा सीधे ही दया दया, तो हमें तो दया वो ही मानना है जो दया होती है, मन में दया भाव वो ही मानना है। यूं लोग नाम रख लेंगे, नाम रखने को सारे स्वतंत्र है, अपना नाम कोई भी रख लो भले ही, उन लोगों के नाम रखने से थोड़ी चेंज कर देंगे। अरे लोगों के नाम रखने से थोड़ी चेंज कर दूंगा, दया तो दया ही होगी। कोई नाम रखे तो रखे, वो आजाद है, आजाद है वो रखता रहे भले ही, लेकिन दया शब्द होगा तो आप उसको व्यक्तिवाचक करोगे या जातीय भावाचक? भावाचक करोगे। दया व्यक्तिवाचक कब करोगे? जब यूं आ जाए दया सातवीं में पढ़ती है, दया स्कूल नहीं जाती, तो दया को क्या मानेंगे? हाँ, फिर दया को लड़की मान लेंगे, देर कह तब। अब बताओ खुशी, अब वैसे तो खुशी नाम भी रख लेते हैं कहीं, तो फिर उसको व्यक्तिवाचक थोड़ी करेंगे। पहले तो वो समझो जो सारे लोग समझते हैं, एक दो के नाम रखने से कुछ नहीं होता। अब है जवानी भावाचक है। देखो भावाचक में तीन चीजें आती है, इधर देख लो, एक तो मन के भाव ही आ जाते हैं, मन के भाव सुख दुख दया सहानुभूति, समझ गए। एक गुणों के नाम आते हैं, गुण, गुण कैसे? ईमानदारी सच्चाई, ये आदमी के गुण होते हैं, बेईमानी है ना। एक दशा का भी नाम होता है, दशा, जैसे बुढ़ापा जवानी बचपन, तो दशा। तो भावाचक में तीन चीजें आ जाती है, भाव मन के भाव भी आ जाते हैं, गुणों के नाम आ जाते हैं। जैसे मैं कहूं इधर देखो मीठा आम, अब ये तो विशेषता दिखा रहा है, विशेषण है, विशेषण विशेषण, पर इसके अंदर एक गुण है जिसका नाम है मिठास। आम में क्या गुण है? मिठास, तभी तो मीठा आम बोलेंगे। तो मिठास क्या है? मिठास ये गुण का नाम है, तो ये भाववाचक हो जाएगा मिठास, और मीठा विशेषण है, विशेषण भी होता है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, वो विशेषण बाद में जिक्र करेंगे, ठीक है। अब बताओ चालाक क्या है? मार खा गए। अरे ये ना तो भाववाचक है, ना जातिवाचक है, ना व्यक्तिवाचक है, ये संज्ञा है ही नहीं, ये विशेषण है, विशेषण कैसे? चालाक लोमड़ी, चालाक औरत, चालाक बच्चा, ये तो विशेषता बता रहा है। तो आप कैसे पहचानोगे? ये गलती दोबारा ना हो, विशेषण को संज्ञा ना कह दें, विशेषण को संज्ञा ना कह दें, ये गलती दोबारा ना हो, इसका इलाज करता हूं, इसका इलाज। ये क्या था? विशेषण शब्द। आपने क्या कह दिया? जातिवाचक भाववाचक कह दिया था कि नहीं? गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ किसमें हुई? विशेषण को संज्ञा कह दिया, गड़बड़ किसमें हुई? आगे से ऐसी गलती ना हो उसका इलाज कर दूं क्या? तो आगे से गलती नहीं, उसका इलाज सुन लो। देखो अगर विशेषण है तो वो क्या होगा? विशेषता दिखाने वाला होगा। क्या होगा? विशेषता। विशेषण कहते किसको है जो विशेषता दिखाता है? विशेषण किसको कहते हैं? अब ये बताओ विशेषता कोई चीज की तो दिखाएगा, कुछ है ही नहीं, शून्य है, खाली, कुछ नहीं है, तो किसकी विशेषता बताओगे? अरे कोई चीज की तो बताई जाती है, और चीज का नाम जरूर होता है, और नाम को संज्ञा कहते हैं, तो मतलब विशेषण जो है वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी कोई चीज की विशेषता बताएंगे, यानी विशेषण के आगे कोई चीज आएगी, विशेषण के आगे कोई चीज है? आप ऐसे बोल दो मीठा, अगला पूछेगा क्या? मीठा आम, मीठा केला, मीठा फल, मीठा जूस, मीठा दूध, कुछ तो होगा। सीधे मीठा कहने से क्या मतलब है? कुछ तो होगा तभी तो मीठा बोलेंगे, कुछ है ही नहीं तो क्या मीठा बोलेंगे? तो मतलब अगर मीठा कह दिया तो आगे कोई चीज आएगी, चीज मतलब नाम, नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा आएगा, तो मीठा दूध ऐसे आएगा आगे। अब यहां रहा ना चालाक के आगे लगा के देख लो, चालाक लोमड़ी, चालाक औरत, चालाक बच्चा, अब आ जाएगा क्या? अब आ जाएगा क्या? चालाक की लोमड़ी, चालाक की लोमड़ी आ जाएगा, चालाक की औरत आ जाएगा। दोबारा सुनो, चालाक बच्चा आएगा या चालाक की बच्चा आएगा?
तो चालाकी के आगे बच्चा क्यों नहीं आया, संज्ञा क्यों नहीं आया? क्योंकि खुद संज्ञा बन गई। समझ गए? एक और उदाहरण से समझो, अगर आप में क्या गलती हो रही थी, आप विशेषण को क्या कह रहे थे? संज्ञा कह रहे थे। तो अब देखो इनमें एक संज्ञा एक विशेषण है, छांटेंगे कैसे? आगे विशेषण के आगे संज्ञा आनी चाहिए, कोई चीज आनी चाहिए। तो ये लगा के देख लो क्या चीज आ रही है, अच्छा लड़का, अच्छा निबंध, अच्छी कविता, अच्छा लेख, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, आ रहे नहीं आ रहा आगे? आ रहे ना। अच्छा अच्छाई क्या कह रहा है, अच्छाई लड़का, नहीं। अच्छा लड़का जचेगा या अच्छाई लड़का? अच्छा। तो इस अच्छा लड़का, तो ये तो है विशेषण, आगे आ रहा है तब, आगे आ रहा है तब। अब अच्छाई लड़का नहीं आ रहा आगे, नहीं। क्यों नहीं आ रहा? संज्ञा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये खुद संज्ञा बन गई। अच्छाई लड़का, लड़का संज्ञा, संज्ञा क्यों नहीं आ रही इसके आगे? क्योंकि ये खुद संज्ञा बन गई। ऐसे पहचान लोगे? पहचान लोगे? तो बताओ मुझे, इनमें एक विशेषण है एक संज्ञा है, तो बताओ कौन सा विशेषण है कौन सी संज्ञा है? ये लगा के देख लो आगे कुछ आएगा, अगर विशेषण है तो संज्ञा आएगी आगे। जैसे मीठा आम, तो इसके आगे लगा के देख लो बुढ़ा के आगे कुछ आ रहा है क्या? बुढ़ा आदमी, बुढ़ा बंदर, बुढ़ा बैल, बुढ़ी औरत, आ रहे ना। अच्छा इसके आगे आ रहा है बुढ़ा, बुढ़ापा बैल, बुढ़ापा आदमी, आ रहा है? बुढ़ा आदमी तो आ रहा है, बुढ़ापा आदमी आ रहा है? बुढ़ापा आदमी, मैंने आज एक बुढ़ापा आदमी देखा, आ रहा है यूं? मैंने आज एक बुढ़ा आदमी देखा, यूं आ रहा है? तो इसके आगे आ रहा है क्या? संज्ञा। तो ये विशेषण है, इसके आगे बुढ़ापा आदमी संज्ञा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि खुद संज्ञा है। समझ आई बात? अब कल बहुत सारे शब्द दूंगा, उनमें आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक छांटना आना चाहिए। तो आज आपको संज्ञा के भेद याद करवाए हैं, ठीक है? वो दो भी मत भूलना, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है? और मूलतः तीन होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और भाववाचक में भाव भी आ जाते हैं, गुण के नाम भी आ जाते हैं, दशा के नाम भी आ जाते हैं। समझ गए? जो बूढ़ा आदमी है, चलते ना बूढ़ा आदमी, तो उसकी जो हालत है उसका नाम है बुढ़ापा। समझ गए? तो दशा के भी नाम होते हैं। तो ये था संज्ञा के भेद याद करवाना, और कल याद करेंगे सर्वनाम के, ठीक? भारत माता की। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।